गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारी ट्रेन टॉक्स के एपिसोड को। और बताता हूँ मैं आपको रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी रेलवे की अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे ट्रेन टॉक्स के इस एपिसोड को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, रेलवे ने यहाँ पे डेटा रिलीज करा है कि लगभग पिछले 3 साल से, यानी कि अप टिल मार्च 2017 तक, लगभग 170 से भी ज्यादा वीआईपीज की डिमांड आ चुकी है कि उनको अपने जो उनका एरिया है वहाँ पे एक रेलवे का नया जोन या फिर डिवीजन चाहिए। अभी वीआईपीज इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, मतलब ये जो भी पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों ने रेलवे के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप करा है कि हमें एक नया रेलवे जोन दो। यहाँ पे रेलवे इस चीज़ को मना कर रहा है और वो कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रेलवे के जो जोन का डिवीजन है वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, पब्लिक की ग्रीवेंसेस को टाइम पे लेने के लिए है, ना कि वो एक पॉलिटिकल इशू है। और ये लोग जो डिवीजन मांग रहे हैं वो एक पॉलिटिकल मुद्दे पर मांग रहे हैं। देखो, मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर किसी भी टाइप की पॉलिटिकल कॉमेंट्स मत करना कि आप, अगर आपका कोई फेवरेट नेता है तो मैं अगर उसको कुछ बोल रहा हूँ, भाई मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट वॉन्ट टू कन्वे द मैसेज कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, दोस्तों यहाँ पे हमारे ई श्रीधरन जो कि दिल्ली मेट्रो के चीफ इंजीनियर थे और इन्होंने कोंकण रेलवे को भी पूरा बिल्टअप करने में इनका हाथ है, इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को एक रिपोर्ट के अंदर कहा है कि भाई जो हमारी इंडिया है, जो इंडियन रेलवेज है, इसको ट्रेन सेफ्टी पंक्चुअलिटी वगैरह चाहिए, मतलब मोर ट्रेन चाहिए सेफली, ना कि बुलेट ट्रेन। जो कि अगेन बहुत ही सही चीज़ इन्होंने बोली है कि जैसे अब ये पर्सनली मुझे भी लगता है कि जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसको डिले किया जा सकता था, मतलब कि वो अभी इतना एट प्रेजेंट बहुत ज़रूरी नहीं था इंडिया के लिए, रादर कि हमें अपनी पहले एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रेल नेटवर्क है हम उसको ठीक करें। ओके, चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, वहाँ आराम से डिबेट करूंगा मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को अपने विचार दूंगा और प्लस आप लोगों से आपके विचार लूंगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ उस विचारों के ऊपर बात करूं कि मतलब मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को लेकर के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फटाफट से उस वीडियो के अंदर उन सब बातों को भी कंपाइल कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने एक जॉब, फेक जॉब रैकेट को पकड़ा है, मतलब स्नैच करा है, उसके अंदर इन लोगों ने 4 लोगों को पकड़ा है। अब ये लोग करते क्या थे, ये आपके आपको वादा करेंगे कि हाँ आप फेक मतलब नौकरी लगवा रहे हैं जो कि फेक होगी, आपको बकायदा फेक ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब ज्वाइनिंग लेटर होता है कि एक ऑफिशियल सील के ऊपर लेटर आता है लगभग 9 या 10 पेजेस का कि आपको इस डिपार्टमेंट में इस जगह पे ज्वाइनिंग मिल गई है, आपका पे स्केल वगैरह ये सब है, ये देंगे। और प्लस आपको ये लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक दैट रेलवेज को भी ये बैंक जॉब्स और रेलवेज की जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं, तो रेलवेज की जॉब के लिए अगर कोई ट्रेनिंग होगी तो वो ट्रेनिंग भी ये लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बड़ी सही लेवल पे जा रहे हैं। सो पुलिस ने इनको पकड़ा है, इनके पास से लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश मिला है जो कि इन्होंने लोगों से लिया है, पहली बात। दूसरी बात ये, देखो मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताऊं, अगर आप में से कोई भी अगर रेलवे में कभी जॉब करना चाहता है और कोई भी पर्सन अगर आपसे पेमेंट मांगता है किसी भी तरीके की, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट होके बता रहा हूं मैं आपको, ये कभी भी किसी को भी कैश मत पे करना, ठीक है? कैश पे करने की आदतों से मुक्त हो जाओ, सुखी रहोगे। क्यों सुखी रहोगे? आपको छोटी मोटी पेमेंट्स अगर किसी थर्ड पर्सन को करनी है ना, आप चेक से पे करो, उससे होगा क्या? और बल्कि चेक के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे आप रीजन बता दो पेमेंट का, वहां पे आप पेमेंट का रीजन बता दो, इसके 2 फायदे होंगे। पहली बात, आपकी पासबुक और उसकी पासबुक के अंदर एंट्रीज आएंगी, मतलब आप दोनों के नाम आएंगे, प्लस आपकी पासबुक के अंदर जिसको आपने पे करा उसका नाम, साथ में बैंक रीजन भी कोट करेगा, मतलब कि जैसे मान लो आपने आशीष को पे करा तो पे टू आशीष आपकी पासबुक में आएगा, प्लस ब्रैकेट में वो रीजन भी लिख के देगा कि आपने पेमेंट क्यों करी, ये आगे फर्दर सबूत बनते हैं। सो ये इंसिडेंट सामने कैसे आया, ये चोरी वाला, एक सतीश कुमार है, सतीश कुमार राजस्थान के, उनका एक दोस्त, इनके साथ ये ऐसा हुआ, मतलब उनको लगा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने जाके पुलिस में कंप्लेंट करी और फिर इसके बाद आगे इसकी प्रोसेस हुआ और पुलिस ने जब इसकी छानबीन करी तो इस तरह से उन लोगों ने इनको पकड़ लिया। दोस्तों यहाँ पे पूरी सियालदा दुरंतों के अंदर अनकुक्ड, मतलब पूरी तरह से पका हुआ खाना ना सर्व होने के कारण आई थिंक 4 लोगों की
हालत गंभीर हो गई थी और इसके चक्कर में काफी हंगामा हुआ। तो यहाँ पे IRCTC के जनरल मैनेजर जो हैं देवाशीष चंदा उन्होंने ये कहा है कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि पुरी के अंदर इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर है जो कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, मतलब वो लोग खाना वगैरह सर्व करते हैं, इनका जो लाइसेंस है वो कुछ ही दिन में एक्सपायर होने वाला है, मतलब 2 या 3 दिन में इनका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। और क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेंट मिली है और काफ़ी बड़े लेवल की मिली है तो हम इनका लाइसेंस जो है रिन्यू नहीं करने वाले हैं। सो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं यहाँ पे पूरी सियालदा के तो आपको बहुत ही जल्द वहाँ की जो केटरिंग स्टाफ है वो चेंज होता हुआ मिल जाएगा। ओके अगली खबर यहाँ पे आ रही है सदर्न रेलवेज की तरफ से। सदर्न रेलवेज के अंदर चेन्नई विल्लुपुरम सेक्शन के अंदर कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी ट्यूसडे, मतलब आज के दिन ही कैंसिल रहेंगी। सो यहाँ पे कुछ ब्रिज है, मतलब एक ब्रिज पड़ता है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ओटी वक्कम और कारू कुंजी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओटी वक्कम कारू कुंजी करके एक जगह पड़ती है, इनके बीच में एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस वजह से कुछ ट्रेनें यहाँ पे कैंसिल रहेंगी। आप एक बार वेबसाइट पे जाके विजिट कर लें या फिर स्टेशन पे भी चले जाएंगे, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको वहाँ पे ट्रेनों की जानकारी मिल जाएगी कौन सी कैंसिल है और कौन सी यहाँ पे लेट ऑपरेट हो रही है। दोस्तों यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ने डिसाइड करा है कि वो 184 स्पेशल ट्रेन चलाने वाला है, और स्पेशल ट्रेन जगह जगह से जो कि पुरी से कनेक्ट करेंगी, मतलब इंडिया की डिफरेंट लोकेशन को पुरी से कनेक्ट करेगी, सो दैट जो जगन्नाथ पुरी के अंदर रथ यात्रा निकलती है 9 दिन की, उसका जो हैवी रश होता है उसको कम किया जा सके और जो लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी वगैरह ना हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ की लास्ट खबर जो आ रही है वो है मुंबई से। मुंबई में अंधेरी के अंदर एक फुट ओवर ब्रिज है जो कि गिर गया है रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। ये फुट ओवर ब्रिज अंधेरी ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता था, पूरा ब्रिज नहीं गिरा है, उसका एक हिस्सा गिरा है। हालांकि सुबह से काफी सारे यूमर्स आ रहे थे इसकी वजह से जो रेलवे ट्रैफिक है वो रुक जाएगा, जो आपकी हार्बर लाइन है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी अभी एक ट्वीट आया है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, उसमें कहा गया है कि कृपया रूमर्स का विश्वास ना करें और जो रेलवे जो मुंबई की सबर्ब्स हैं और रेलवे है वो बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे चल रही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।